आईपीएल 2021 को लेकर बीसीसीआई और सभी आईपीएल टीमें काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आ रही है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले बताना चाहूंगा आप सभी को हाउसेट एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन में आप लोग लेजेंड के साथ खेल सकते हो, युवराज सिंह, इरफान पठान, कुमार संगकारा, कैरन पुलार्ड के साथ आप लोग खेल सकते हो और अगर आप लोग इन लोग को बीट कर देते हो तो उसके बदले आप सभी को 2x मनी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आपको अपनी प्लेइंग 11 बनानी है, वॉइस कप्तान एंड कप्तान आपको सिलेक्ट करना है और इन लेजेंड को आपको बीट करना है। उसके बाद आपको मनी को आपका अकाउंट में दे दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग बैंक UPI के थ्रू अपने मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक से आप लोग डाउनलोड करते हो तो आपको 200% का वेलकम बोनस मिलेगा और फर्स्ट डिपॉजिट पे गाइस आपको 100% का कैश बोनस मिलने वाली है। तो काफी अमेजिंग एप्लीकेशन है और अगर आपको अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करते हो तो उसके बदले आप सभी को 500 रुपए का रेफर मिलने वाला है। तो काफी अमेजिंग एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, तो जल्दी जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से। तो गाइस अब चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पे चेन्नई सुपर किंग की टीम के मैनेजमेंट ने उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया और वहां पे उन्होंने बताया कि 2021 के आईपीएल के लिए वो एक नए ओपनर की तलाश कर रहे हैं, जहां पे उनका कहना है कि अगर ग्लेन मैक्सवेल को अगर हम लोग अपनी टीम में शामिल करते हैं एंड 2021 के मिनी ऑक्शन में हम लोग ग्लेन मैक्सवेल के पीछे भागने वाले हैं और उनको अपनी टीम में टारगेट करने की पूरी कोशिश करने वाली है चेन्नई सुपर किंग की टीम। एंड चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पे उन्होंने बताया कि 2021 के मिनी ऑक्शन में वो पूरी तरह से टारगेट करने वाली है चेन्नई सुपर किंग की टीम ग्लेन मैक्सवेल को और अगर उनको अपने टीम में शामिल किया जाता है तो गाइस वहां पे चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल मिडिल ऑर्डर पे ना खेल के वो चेन्नई सुपर किंग की टीम के लिए ओपनिंग करते आप सभी को नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने शेन वॉटसन के साथ काम किया था, शेन वॉटसन मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी करते थे, लेकिन गाइस जैसे ही चेन्नई सुपर किंग की टीम ने उनको खरीदा उसके बाद गाइस यहां पे 2018 से उनको यहां पे ओपनिंग में लाया गया एंड चेन्नई सुपर किंग की टीम के लिए गाइस यहां पे ओपनिंग में कमाल कर दिया शेन वॉटसन। तो गाइस ऐसे ही चेन्नई सुपर किंग की टीम भी चाहती है कि ग्लेन मैक्सवेल भी हमारे लिए ओपनिंग में आके कमाल कर दे, लेकिन यहां पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी उनके साथ यहां पे ओपनिंग करवाया था, लेकिन यहां पे ग्लेन मैक्सवेल यहां पे वो काम नहीं कर पाए थे दिल्ली के लिए। तो गाइस आपके इस पर में क्या ओपिनियन है? चेन्नई सुपर किंग की मैनेजमेंट की तरफ से जो नई रिपोर्ट यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है, अगर ग्लेन मैक्सवेल को चेन्नई सुपर किंग की टीम अपनी टीम में शामिल करती है तो चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से आप सबको ग्लेन मैक्सवेल 2021 के आईपीएल में ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। तो आपका इस पर में जो भी ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्या चेन्नई सुपर किंग की टीम को ग्लेन मैक्सवेल को ओपनिंग करवाना चाहिए या नहीं? तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना अपना ओपिनियन दीजिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो गाइस दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से। तो गाइस अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ट्रायल कैंप की तरफ से गाइस एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम मैनेजमेंट ने गाइस यहां पे काफी ऐसे टैलेंटेड प्लेयर को देखा है एंड गाइस उनको इन्विटेशन उन्होंने भेजा है कि यहां पे ये खिलाड़ी हमारे ट्रायल कैंप पे ज्वाइन होने वाले हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से उनको इन्विटेशन भेज भी दिया गया है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ट्रायल कैंप पे वो सारे खिलाड़ी यहाँ पे आने वाले हैं बेंगलोर और बेंगलोर में इस साल का आप सभी को ट्रायल कैंप नजर आने वाली है और उस सारे खिलाड़ी आएंगे बेंगलोर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ट्रायल कैंप को ज्वाइन करने वाले हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं RCB का ट्रायल कैंप कब से यहाँ पे लगने वाली है। तो गाइस अभी की अगर रिपोर्ट की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का ट्रायल कैंप आप सभी को 15 मार्च से लगने वाली है और RCB की ट्रायल कैंप आप सभी को 15 मार्च से देखने को मिलने वाली है। RCB की तरफ से एक नई रिपोर्ट यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है जहाँ पे RCB की टीम में जितने सारे डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तो वो सारे खिलाड़ी यहाँ पे आने वाले हैं और RCB की टीम ने जिन जिन टैलेंटेड प्लेयर को देखा है उन सभी खिलाड़ी को गाइस यहाँ पे नोटिस भेज दिया गया है एंड वो सारे खिलाड़ी यहाँ पे RCB के ट्रायल कैंप को ज्वाइन करने वाले 15 मार्च से। तो गाइस अब RCB के ट्रायल कैंप को लेके एक नई न्यूज यहाँ पे सामने निकल कर आ रही थी। तो RCB के फैंस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस अगर आपको आज की ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।